Good evening, viewers. आज का हमारा जो टॉपिक है वो ईयर इन्फेक्शन में से एक लिया है, मैस्टॉइडाइटिस. मैस्टॉइडाइटिस को अगर हम समझे तो मैस्टॉइड जो कान के अंदर रहता है बोन, उसमें इन्फेक्शन, बैक्टीरियल इन्फेक्शन जो रहता है इनर और मिडिल ईयर का, ठीक है, वो वाला इन्फेक्शन आज हम उसके बारे में थोड़ा बहुत जानेंगे. अक्सर वैसे ये बच्चों में रहता है अक्सर, लेकिन जरूरी नहीं है कि ये बच्चों में ही रहेगा. एडल्ट एज में भी चांसेस इसके बने रहते हैं, यानी हम इसमें इग्नोर नहीं कर सकते कि ये एडल्ट एज में नहीं होगा. होता क्या है कि जो कान के अंदर हमारे मैस्टॉइड सेल्स होते हैं उनमें इन्फ्लामेशन आती है, मतलब स्वेल हो जाते हैं, इन्फेक्शन रहती है, बैक्टीरियल इन्फेक्शन, और उसके बाद ओटाइटिस मीडिया हो जाता है, ठीक है, और उस वो आगे उसको पुश करता है हमारा मैस्टॉइडाइटिस को, मतलब वहाँ मैस्टॉइड बोन में इन्फेक्शन जो है यहाँ पे वो क्रिएट करता है, ये बैक ऑफ द ईयर यहाँ पे जाके. अच्छा, अभी इसके अगर हम ये देखते हैं कि और रीजंस इसके क्या क्या रहते हैं जिसकी वजह से ये हो सकता है और हम वहाँ पे बचाव भी कर सकते हैं. हमारे प्रिवेंटिव मेजर्स जो होते हैं वो हमेशा पॉजिटिव एजेंट्स को लेकर ही रहते हैं. तो कॉजेशन इसमें जो रहती है मिडिल ईयर इन्फेक्शन. मिडिल ईयर इन्फेक्शन हम देखें तो किस तरह से हो सकता है, जैसे रिक्रेंट कोल्ड होना, फ्लू होना, कोई इन्फेक्शन बार बार होना, है ना, जिसको नेजल पॉलिप है उसको बार बार इन्फेक्शन होना, इसी की वजह से भी कोल्ड का बार बार रहना और कानों में ऐसे रेशा बार बार गिरना, वो मिडिल ईयर इन्फेक्शन की वजह से. एक पॉलिस्टियाटोमा की वजह से भी रह सकता है, मतलब सेल्स की अंदर ही अंदर ग्रोथ हो जाना, जैसे ये पॉलिप्स होते हैं ना, तो कान के अंदर भी छोटे छोटे पॉलिप्स हो जाते हैं, तो उसकी वजह से भी ये हो जाता है. इसके अलावा हमें स्विमिंग में ध्यान रखना पड़ता है. जो हमारे स्विमर्स होते हैं हम उसको बोलते भी हैं उस डिजीज को कि दिस इज अ स्विमर्स ईयर. स्विमिंग करते हुए जब गंदा पानी कान के अंदर जाता है तो वो भी हमें इन्फेक्शन क्रिएट करता है. ये तो बात हुई कॉजेशंस की, और इसके बाद हम लेंगे सिम्टम्स को. इसमें रहता क्या क्या है जिसमें हमें पता लगता है कि ये हमारा मैस्टॉइडाइटिस हो चुका है. कान के अंदर भारीपन, फुलनेस रहना, हैवी लगता है, ऐसे लगता है भरा भरा है कान, यहाँ पे कुछ फंस गया है अंदर, है ना, और जब रेशा बन जाता है, पक जाता है तो ड्रेन हो जाता है कई बार, और कान में दर्द होना, हल्का हल्का डल एक भी होता है और शार्प भी रहता है, प्रेसिंग पल्सेटिंग टाइप का भी दर्द हो सकता है. इट डिपेंड्स कि पेशेंट टू पेशेंट किस तरह का वो पेन हमारे पास लेके आता है. उसके साथ साथ हमें चक्कर आ सकते हैं और डिजीनेस, ड्रॉजीनेस रहती है, ऐसे लगता है कि शरीर गिरा गया है, नींद आ रही हो पर नहीं रहती है, इरिटेबिलिटी रहती है, और जो कान में से गिरता है हमारा ड्रेनेज होती है उसमें ऑफेंसिव स्मेल भी रहती है, और हियरिंग इश्यूज रहते हैं, सुनना कम हो सकता है और लॉस ऑफ हियरिंग भी हो सकता है. इसके अलावा फीवर होना और हेडेक रहना, ये सब चीजें इसके साथ रहती हैं. और जो हेडेक है उसमें कई बार फुलनेस भी रहती है, यहाँ पे भारीपन, हैवीनेस एंड फुलनेस ऑफ हेड भी रहता है. कॉजेशन और सिम्टम्स के बाद अगर हम ये देखते हैं कि अगर ये पता लग गया और हम इसको ट्रीट नहीं करते तो इसमें हम कॉम्प्लिकेशंस हम क्या क्रिएट कर लेंगे. इसके बाद कॉम्प्लिकेशंस में क्या है कि फेशियल पैरालिसिस, ठीक है, दूसरा इसमें बोन इन्फेक्शन जो बहुत कॉमन रहती है. अनट्रीटेड केसेस में क्या रहता है कि बोन इन्फेक्शन जल्दी हो जाती है, और उसके अलावा जो कॉमन रहता है जो नर्व्स होती है हमारे कान की उसमें इन्फ्लामेशन रहती है, मतलब उसमें थोड़ा इन्फेक्शन हो जाए और स्वेल हो जाए और उसकी वजह से इश्यू आ जाए. हेयर लॉस, परमानेंट हेयर लॉस होने के बहुत चांसेस रहते हैं इसमें, इसलिए इसको ट्रीट करना बहुत जरूरी हो जाता है. और कुछ केसेस में इसमें ब्लड क्लॉट रहता है जिसमें साइनस थ्रोम्बोसिस भी हो सकता है, और कभी कभी ये मेनिनजाइटिस को भी पुश करता है. तो इसकी कॉम्प्लिकेशंस बहुत ही गंदी वाली और स्ट्रॉन्ग वाली रहती है, तो इसको ट्रीट कराना बहुत जरूरी है. अनट्रीटेड इसको छोड़ देना हमारी कोई अच्छा बिहेवियर नहीं रहता है मरीज की तरफ, हमारे डॉक्टर्स का, और डॉक्टर्स का भी अगर जब पता लगता है तो उसको अच्छे से ट्रीट करना उनकी भी ड्यूटी है. इसके दवाई एक नो डाउट इसका मैनेजमेंट है, ट्रीटमेंट जो एरिया मेडिसिन है, लेकिन इसके अलावा अगर हम मैनेजमेंट पे ध्यान दें, मरीजों को खुद भी अपनी सेहत का जैसे ध्यान रखना होता है, तो उसमें इसमें क्या क्या कर सकते हैं. पहले सबसे पहले कॉज जो हम पकड़ा था मिडल ईयर इन्फेक्शन, तो हम उसको प्रिवेंट करेंगे. प्रिवेंट करने का तरीका क्या है कि अगर हमको बार बार कोल्ड होता है, फ्लू होता है, तो हमें उसका इलाज जल्दी करवाना है.
वजह देखनी है कि कोल्ड किस वजह से होती है। अगर एक्सपोजर की वजह से होती है तो हमने एक्सपोजर्स पे वर्क करना है, अगर नेजल पॉलिप है या एडेनाइड्स है तो बच्चों के वहां पे वर्क करना है। अगर हमारा पोजिशन स्विमिंग है तो हमने अपने कानों में कुछ डालकर आते हैं स्विमिंग वो प्लग्स आते हैं तो उसको डालकर ही आप स्विमिंग करने चाहिए, ठीक है। अगर कुछ पॉलिप हो गया हुआ है हमें टेस्ट में पता लग गया हुआ तो उसका इलाज करवाइए, सर्जरी भी हो सकती है और मेडिसिन भी उसका इलाज हो सकता है। तो मैनेजमेंट जो हमारी रहती है प्रिवेंटिव मेजर्स रहते हैं, वो मैंने हमेशा बोला है कि वो हमारी पोजिशंस के ऊपर डिपेंड करते हैं। पोजिशंस को ध्यान में रखते हुए ही अपनी बॉडी का ध्यान रखना पड़ता है। लास्ट में हम इसका अगर देखते हैं ट्रीटमेंट, तो व्यूअर्स ये हमारे सिर्फ डॉक्टर्स के लिए, आप इसको फॉलो मत कीजिए, आप डॉक्टर की सहायता के साथ ही इसको फॉलो करेंगे। डॉक्टर्स ही समझ सकते हैं कि मेडिसिन कितना डोज और कितनी पोटेंसी में आपको देना होता है। मैं सिर्फ जो यूज करती हूँ और वो आपके साथ शेयर करूंगी, और इसके अलावा मैं उनके छोटे छोटे टिप्स के रीजनिंग क्या है वो मेडिसिन की, सिर्फ वो इन शॉर्ट आपके साथ शेयर करने वाली हूँ। आरम अचेलिकम जिसमें ऑफेंसिव डिस्चार्ज रहता है और केरीज भी रहता है बोन का ना, अगर हम चेक कराते हैं तो हमें वो पता लग जाता है। कैप्सिकम में क्या होता है, नो डाउट कि वहाँ पे स्वेलिंग की वजह से वहाँ पे पेन रहेगा, लेकिन वो पेन बर्निंग रहेगा और उसमें सर्कुलेशन होगी बहुत लंबा टाइम तक, उसमें सर्कुलेशन मरीज आके बोलता है कि काफी देर हो गई है, क्रॉनिक हो गया, उसका डिस्चार्ज क्रॉनिक डिस्चार्ज होगा। कल्केरिया फॉस है जिसमें नॉइजेज कान में तरह तरह की नॉइजेज, हमने सिम्टम्स में देखा है कि उसके कानों में हेयरिंग इश्यूज आते हैं, जैसे कई तरह की आवाज आती है, शाह शाह की आवाज आना, रिंगिंग विस्लिंग कई टाइप्स की आवाज आती है, तो ये कल्केरिया फॉस में आवाजें आती हैं। लेकिन स्पेशली आफ्टर स्टूल ये इसका एक्यूट है, बहुत ही कॉमन, इसका बहुत ही एक पिन पॉइंट सिम्टम है। कंथेरिस में देखो उसके फीलिंग रहती है, वहां पे सेंसेशन रहती है हॉट एयर, ऐसे लगता है जैसे गर्म हवा अंदर हो, जैसे ऐसी फीलिंग रहेगी कंथेरिस में। कार्बो एनिमलिस है जिसमें कंफ्यूज्ड हियरिंग रहती है, कंफ्यूज्ड हियरिंग का मतलब ये नहीं है कि ये सुना है या नहीं सुना है या ये शब्द था या नहीं, उसमें कंफ्यूज्ड हियरिंग मतलब कौन सी डायरेक्शन से, मुझे राइट से आया या लेफ्ट से आया, सामने से आया पीछे से आया, ये वाला फीलिंग उसके अंदर एक कंफ्यूजन उसके माइंड में, कार्बो एनिमलिस के पेशेंट को अगर ये वाला प्रॉब्लम लेके आया है तो ये उसका पेन पॉइंट रहता है वहां पे। फेरम फॉस है जिसमें डायरिया फॉलो करता है इस इमिडियल ईयर इन्फेक्शन के साथ। नाइट्रिक एसिड है जिसमें क्रैकिंग साउंड रहती है, पट्टी आ जाती है, लेकिन इसका एक और सिम्टम बहुत ही पिन पॉइंट जो है वो ये है कि वो जब वहीकल के ऊपर जा रहा होता है, कहीं किसी गाड़ी में बैठ के नहीं जा रहा होता है, तो उसको क्लियर सुनता है, अदरवाइज उसको इश्यूज आते हैं, हियरिंग के इश्यूज आते हैं। मतलब जब सफर करता है, ट्रैवल करता है, ट्रैवल करते हुए उसकी जो हियरिंग होती है वो काफी स्ट्रांग रहती है, उस समय वो सही रहता है। फॉस्फोरस है उसमें ऐसे कानों में लगता है जैसे कान में अंदर ना कुछ फंस गया हो, फीलिंग ऐसे प्लग इन, अंदर कुछ फंसा है उसको बस निकाल दो वो सही हो जाएगा, उसको ऐसे रहता है, होता कुछ नहीं, फीलिंग है वो। सीलिशिया में है एक्यूट एंड क्रॉनिक सर्कुलेशन रहता है और बोन का केरीज रहता है। ये तो छोटे छोटे टिप्स थे मेडिसिन के, लेकिन फिर भी व्यूअर्स ये आप अपने नजदीकी डॉक्टर से या हमसे बात करके दवा ले सकते हैं, और कोई भी इशू आता है आप अपने डॉक्टर से जरूर मिलें। नेक्स्ट फिर मिलेंगे, टिल देन बाय बाय, थैंक यू।